निवेदन करूंगा आज के उत्सव मूर्ति श्रद्धेय डॉक्टर करण सिंह जी से कि वे अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय डॉक्टर करण सिंह जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंत हृदय अरविंदे भवम भवानी सरतम भवानी। हमारे पुराने साथी और मित्र पंडित मुरली मनोहर जोशी जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि पहले हमने आपके कुलपति मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा कि ये कार्यक्रम यहाँ करना है, मैंने कहा, इन्होंने नहीं बोला, मैंने कहा, वो कहने लगे किसको बुलाए हम साथ, मैंने कहा एक ही व्यक्ति मुझे दिखता है आज के भारतवर्ष में, पंडित मुरली मनोहर जी। जी उस समय अस्वस्थ थे, हमने ये कार्यक्रम स्थगित किया, एक दो महीना स्थगित किया कि स्वस्थ हो जाए और आज पहुंच जाए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद पंडित जी, आपने कष्ट किया। हम लोग संसद में अक्सर मिला करते थे, उस जमाना भी हमने देखा, बहुत सी बातें होती थी, वो सब बातें बताने वाली नहीं है, लेकिन है अच्छी अच्छी बातें करते थे हम। तो अब श्री मुरली मनोहर पाठक जी आप कुलपति हैं और पहले कुलपति है जब से ये स्वतंत्र बना है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई है इसकी। और पंडित बिहारीलाल शर्मा जी हैं तो मंच संचालन कर रहे हैं, और विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी होंगे, अध्यापकगण, छात्र वृंद और यहाँ उपस्थित जो मीडिया के व्यक्ति हैं उनको सबको, जहाँ जो विधायक उपस्थित हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और कुछ बातें इसके बारे में कहनी है कि ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि जब ये आरंभ हुआ था पंडित जी 1962 में, तो दो कमरे किराए पे हमारे थे कमला नगर में, लाल बहादुर जी वो गृहमंत्री थे, हमारे सदन रियासत था, हम दोनों इकट्ठे जाते थे वहाँ और वहाँ विचार विमर्श करते थे कि एक ना एक दिन ये ऐसा विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो देखिए 1962 की बात कर रहा हूँ मैं, उस सबसे देखते देखते भगवत कृपा से अब ये एक विशाल वटवृक्ष बन गया, और इसमें अनेक विभाग हैं, बता रहे थे कितना कितनी है विद्या होती है, परा विद्या दोनों विद्याएं होंगी, क्योंकि दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। और ये एक अब राष्ट्रीय केंद्र बन गया है, बड़ा महत्व है इसका, और लाल बहादुर जी इसके अध्यक्ष पहले ही बने थे, उन्हीं के नाम पे ये विश्वविद्यालय रखा भी गया, बहुत उचित। मुझे ये याद है कि 1994 में पहले जो राष्ट्रपति जी हमारे सत्यनारायण शर्मा थे, उन्होंने दीक्षांत भाषण दिया था यहाँ, और 1996 में दूसरा भाषण मैंने दिया था, और 1999 में तीसरा भाषण मुरली मनोहर जी। तो दो संसद जी तो है नहीं, हम दोनों यहाँ भगवान की कृपा से उपस्थित हैं, तो इसलिए मुझे बड़ी पसंद। एक बात मैं कह दूँ, उसके बाद जब से हमने भाषण किया उसके बाद इन्होंने हमें याद नहीं किया, बुलाया, आज भी हम जबरदस्ती आए, हमने कहा भाई हमें यहाँ करना है ये कार्यक्रम। तो वो शेर मुझे याद आता है शकीर बदायूनी का कि इस कदर है इसकी मजबूरी है, बिन बुलाए जा रहे हैं क्या। देखिए हमारे आप जानते हैं हमारे जो राजवंश है, पहले थे महाराजा गुलाम सिंह, इन्होंने 1846 में जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना की, तो
अंग्रेजों के वक्त सबसे बड़ा भारतीय राष्ट्र 84,000 मुल्का मील था। तो उन्होंने बहुत उसमें लद्दाख और गिलगित कैसे कैसे हम लोगों ने वहां पहुंचाया, भारत वर्ष की सीमा को हमने बढ़ाया। डोगरा में हमारे जो कौम है बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए इस देश में, मगर वो अंदर लड़ते रहे। हमने आपकी सीमा बढ़ाई, चीन और रूस तक पहुंचाई, ठीक है हमारे हाथ से निकल गया इलाका वो दूसरी बात, लेकिन हमने तो पहुंचा दिया था आपको चीन और रूस के साथ। तो वो ये राज्य उन्होंने बढ़ाया। उनके सुपुत्र महाराजा रणवीर सिंह जी थे, और आश्चर्य की बात है महाराजा गुलाब सिंह जी ने अपने जीवित जीते हुए ही अपने पुत्र को बिठाया और गद्दी पर, और पहली नजर की कि मैं आपको नजर, ये भी एक अद्भुत परंपरा। तो महाराजा रणवीर सिंह जी जैसे असाधारण व्यक्ति थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, तो राज्य को जो सुव्यवस्थित करना था वो किया, हुंजा नगर वगैरह भारतीय इलाके जो थे उनको मिलाना था। दूसरा उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, जम्मू में कितने मंदिर आपने तो पंडित जी देखे हैं, हमारा विश्वविख्यात तो रघुनाथ मंदिर, सभी देवता देवता जितनी देवी देवता है हमारे संस्कृति में सभी के प्रांगण में आप देखें उनके मंदिर, ऐसा मुझे लगता है कोई मंदिर और नहीं है भारत में। बड़े बड़े मंदिर होंगे लेकिन ऐसा मंदिर जिसमें हरेक देवता का और हरेक देवी का एक अलग अलग मंदिर हो वो, और फिर वो शिव मंदिर है, वीरेश्वर मंदिर बड़ा भव्य मंदिर जम्मू में, इस किस्म के बहुत सारे मंदिर उन्होंने बनाए। बल्कि वो इसको एक छोटी काशी बनाना चाहते उत्तर वैनी पर मंदिर वगैरह उस तक मंदिर निर्माण। तीसरा उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने एक पंडितों को गुरु भेजा कि आप सारे भारत में जाके पांडुलिपियां दो, कितने दूरदर्शी थे। और उन्होंने वो किया क्योंकि हमारी कश्मीर की विद्या परंपरा बड़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन वो टूट गई थी बीच में। वो जो विद्या परंपरा है जहाँ आचार्य अभिनव जैसे महान जो शंकराचार्य जैसे कोई कम नहीं थे, वो सिर्फ कश्मीर में रहे इसलिए इतने जानते नहीं, शायद इसे एक एक बार क्या बताया, वो परंपरा टूट गई 500-600 साल नहीं। हमने फिर से वो आरंभ करने की कोशिश, और ये जो इन्हें इकट्ठा किया इस इन्होंने, तो वो पंडित जो गए उन्होंने 8,000 पांडुलिपियां को इकट्ठा किया, और वो सब जो है हमारे रणवीर संस्कृति इंस्टीट्यूट में है। जैसे आपने कहा न जाने क्या क्या ज्ञान और विज्ञान छिपा हुआ है, लेकिन लोगों को पता तो लगना चाहिए कि भाई है क्या इसमें। इसकी वैसे कैटलॉग बनते थे, और स्टाइन का नाम तो आप सुना ही है, उन्होंने पहला कैटलॉग बनाया, फिर उसके बाद अपने एम एम पाटकर पुणे के विद्वान थे उनको हमने बुलाया, उन्होंने बहुत काम किया, धर्मदास शास्त्री हमारे थे वहाँ निदेशक उन्होंने किया, एक कमल किशोर मिश्र ने जो बचे खचे थे वो सारे पूरे किए। और इसका ये हुआ कि जब हमने कहा इनको अच्छी तरह से प्रस्तुत करें, क्योंकि वो जो पुराने कैटलॉग थे वो कोई उनका कोई रूप स्वरूप इतना सुंदर नहीं था, इकट्ठा करो, और मोतीलाल बनारसीदास के अलावा कोई काम नहीं कर नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जैसे आपने कहा तो कितने दशकों से ये कार्य करते आ रहे। तो उनको हमने ये काम दिया जो आज जिसका लोकार्पण हुआ मनोजी से और हमारे हाथ से, ये वो है तीन खंडों में जितनी वो 8,000 वाली पांडुलिपियां हस्तलिखित पांडुलिपियां उन सब का विवरण है क्या है कैसे पढ़े क्या है। तो जैसे आप बता रहे एक रेफरेंस वर्क हो जाता है तो दुनिया को पता लगता है कि कौन सी चीज का है, और उसके बाद फिर वो अगर उसका प्रयोग करना चाहते। तो हमने इसका प्रकाशन किया, एक पहला प्रकाशन पिछले वर्ष आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने एक भगवद गीता का विमोचन किया, जो मैं 90 वर्ष का हुआ था जिस दिन, उसी दिन उन्होंने अपने हमें बुला के और वहाँ उन्होंने कार्यक्रम किया था, और वो 10 खंड 11 खंडों में सारे एक ऐसा हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिला, हर एक मंत्र पे 20 व्याख्या, हर एक श्लोक पर, गीता के हर एक श्लोक के ऊपर 20 लोगों की अलग अलग व्याख्याएं शंकराचार्य से लेकर, तो वो उस 10 वॉल्यूम में थे, हमने वो सारा छापा, मनसीदास नहीं किया। तो ये द्वितीय हमारा ये प्रयास है ये जो आज हमने किया, तो
चाहते हैं कि धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते रहें, जैसे आपने कहा। देववाणी संस्कृत के बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं, वो तो एक अद्भुत भाषा है, उसमें कितना ज्ञान है। वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद। सबसे प्रिय तो मुझे उपनिषद, मुझे लगता है कि उपनिषदों से बढ़ के कोई और हमारे ज्ञान है नहीं है, तो बाकी उपनिषद ही संस्कृत है। उसमें परम विद्या अपरा विद्या दोनों आ जाते हैं। कस्मिन् विद्यो पूछते न सौम्य कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातमिति, वो क्या विद्या है जिससे हम सब जानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा दो विद्या, तो ये सब हमारे संस्कृत में उसमें ही केवल वो निज्ञा नहीं, जहाँ ब्रह्म सूत्र है वहाँ काम सूत्र भी, या अर्थशास्त्र है वहाँ नाट्य शास्त्र भी, या योग सूत्र है वहाँ अष्टाध्याय, यानी हर प्रकार से केवल दर्शन ही नहीं। आप कोई हर प्रकार से देखिए तो आपको भरत के नाट्य शास्त्र लिखा है, उसके ऊपर अभिनव गुप्त ने जो अभिनव भारतीय उन्होंने जो किया है अद्भुत है। वो इस किस्म की चीजें रखी हैं संस्कृत में। और एक बात बताऊं, जो जितने प्रधानमंत्री रहे शुरू से सब ने संस्कृत की मदद की। मैं पंडित जवाहरलाल जी का एक कोट बताता हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो नीचे आते देखिए, उन्होंने लिखा है, इफ आई वॉज आस्क्ड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इंडिया पोजेसेस एंड व्हाट इज द फाइनेस्ट हेरिटेज, आई वुड आंसर अनहेसिटेटिंगली, it is a Sanskrit language and literature and all that it contains. This is a magnificent inheritance, and so long as this ensures and influences the life of our people, so long the basic genius of India will continue. जो आपने बात कही, अगर हमें ये मूल मंत्र आ जाए तो भारतीय संस्कृति जो है भविष्य है। और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संस्कृत प्रेम तो सच विदित है, तो हमेशा उन्होंने किया। ये सारी जो नई विश्वविद्यालय बनाए हैं, अभी बनाए हैं वो, और उन्होंने विश्व को एक नया उत्सव दिया, योग दिवस। बहुत बड़ी बात है, देखिए आज सारी दुनिया में उस दिन योग का वो होता है। तो मेरा कहने का, जवाहरलाल जी से लेके नरेंद्र भाई मोदी तक सब जितने प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कमोबेश किया, कई लोगों ने अधिक किया, कई लोगों ने कम किया, कई लोगों की अवधि भी कम रही, कुछ मिलते रहे। तो इसलिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई कभी कोई राजनीति या दल नीति की बात कभी नहीं होती, क्योंकि संस्कृत तो सर्वोपरि है। तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, संस्कृत के बारे में तो वो कहा गया है ना कि संस्कृते संस्कृति प्रज्ञा, संस्कृते सकला कला, संस्कृते सकलम ज्ञानम, संस्कृत किम न विद्या। इसलिए संस्कृत का जो है प्रभाव हमारे को होना चाहिए, हमारे देश में इसकी शिक्षा होनी चाहिए। और हम तो एक बात और बताऊं आपको, जब मैं संसद में आया 1967 में पहली बार लोकसभा में, तो मैंने देखा बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, ओडिशा के थे, दक्षिण भारत के थे, लेकिन कोई मंच नहीं था। तो मैंने संसदीय संस्कृत परिषद बनाई, संसदीय संस्कृत परिषद, और जितने उन दिनों में संस्कृत अज्ञ थे उन सबको इकट्ठा करने का प्रयत्न, और हम बैठते थे, बातें होती थी। और उसमें से दो बातें विशेष निकली। एक तो हमने कहा कि संस्कृति रोज करते हैं, लेकिन एक दिन होना चाहिए कि जो संस्कृत के प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। हमने चुना, हमने कहा हजारों साल संस्कृत ने हमारी रक्षा की, अब हम संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन को ही संस्कृत बचना है। तो रक्षाबंधन का जो संस्कृत दिवस है वो हमने आरंभ किया, प्राचीन काल का नहीं, वो चल रहा उसी समय किया, इंदिरा जी की सरकार से उन्होंने मान लिया। और दूसरे हमने कहा वार्ता, वार्ता भी होनी चाहिए। तो कहते हैं संस्कृत में वार्ता नहीं हो सकती, वार्ता से अधूरी तो और कोई चीज होती नहीं है। तो वहां ये दो चीजें हैं। उस समय मैं तो मंत्रिमंडल में आई, इंदिरा जी को कहे दोनों चीजें। तो संस्कृत के प्रति हम भी अपनी ओर से कोशिश करते जा रहे हैं, जो भी हम कर सके करते रहे। मुरली मनोहर जी जैसे विद्वान हैं, बड़ी हमें प्रसन्नता है कि आज यहाँ आए हुए हैं। और इसको देखकर इस छोटा सा हमने पौधा लगाया था, इस वट वृक्ष को देखकर आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई।
और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कुलपति जी को भी और जितने यहाँ व्यक्ति हैं, बधाई देता हूँ कि ये अवसर आया है, आप इसका लाभ उठाइए और आप ऐसा संभव आप देववाद संस्कृति की सेवा करते करते अपने देश को सुदृढ़ करते। अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राण बल थे ज्ञान वैराग्य सिद्धि भिक्षा देवी। आपका बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर करण सिंह जी, जिस पुनीत कार्य में आप लगे हुए वह संस्कृत की सेवा, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो संरक्षण आपसे मिल रहा है उसमें और गतिशीलता हो। वस्तुतः हमारी परंपरा है कि जो अपने पूर्वजों का सम्मान करे, अपनी परंपराओं का रक्षण करे, वह स्वयं यशस्वी होता है। आपके पूर्वजों ने जिस काम को हाथ में लिया था, भारतीय ज्ञान परंपरा का संरक्षण हो, आपके महाराजा रणवीर सिंह जी उन्होंने जो अद्वितीय कार्य किया और ज्ञान की उन पांडुलिपियों को, उन ग्रंथों को जो संग्रहित करने का उन्होंने काम किया, उन्हीं का चित्र है उससे किताबें देखा हुआ, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये वस्तुतः हमारी भारतीय परंपरा है कि जो योग्य संतान होती है वो अपने पूर्वजों को और अपनी परंपराओं का हमेशा सम्मान करती है, तो उस संतान का स्वयं सम्मान होता है। आप अत्यंत कृपा पूर्वक यहाँ आए, हमें उम्मीद है कि अब हम जल्दी जल्दी आपके दर्शन करेंगे।